कैसे YouTube फैमिली, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैक्रोनी बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद होती है और ये काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है। आज हम लोग इसको चिकन के कीमे के साथ बना रहे हैं, तो चले उसको बनाना शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसको बनाने के लिए 1/2 kg चिकन का कीमा लिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे, हमने 1 मीडियम अनियन, 1 मीडियम टोमेटो और थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली ऐड करके उसको चॉप कर लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ जो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसमें हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, मिक्स गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 चिकन क्यूब, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट की ऐड करेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सब इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें 1 कप वाटर ऐड करेंगे, वाटर का ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कीमे में सब इंग्रेडिएंट्स, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। चिकन कीमा मैक्रोनी 2 स्टेप्स में हम लोग रेडी करेंगे। फर्स्ट में कीमा रेडी करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग मैक्रोनी बॉईल करके तो वो फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये हम लोग पहले चिकन को रेडी कर लेते हैं। ये जो हम लोग चिकन रेडी कर रहे हैं, ये हम लोग 400 ग्राम मैक्रोनी का पैकेट यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके 15 से 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो देर में इसका वाटर भी ड्राई हो जाएगा और कीमा भी गल जाएगा। 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक किए तो अभी कीमा तो गल गया है, पानी भी इसमें ड्राई हो गया, लेकिन अभी पूरी तरह से पानी ड्राई नहीं हुआ है। इसे हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम कैप्सिकम जो क्यूब के फॉर्म में कटी हुई है, 1 मीडियम कैरेट है जो स्लाइस के फॉर्म में कटी हुई है और थोड़ी सी कैबेज है। ये हमने इसमें, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करेंगे तो वेजिटेबल्स में इसमें गल जाएंगी और मॉइस्चर भी इसमें ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसको और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि वेजिटेबल्स भी गल जाए और इसका पानी भी सब अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया। अब हम इसमें 1/2 कप हमने मिक्स फ्रोज़न वेजिटेबल्स लिए हैं, उनको हमने बॉईल कर लिए और उनका वाटर स्ट्रेन करके वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे हम इस पे 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1/4 कप कुकिंग ऑयल ये हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको 5 मिनट्स तक कुक किए। अब हम इसमें 1/2 कप ग्रीन अनियन, उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी ये मैक्रोने बनते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। हम लोग इसमें 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। आप यही सेम कीमा अगर आप चिकन का बना के आप मैक्रोने में ना भी ऐड करो, आप सेपरेट पराठे के साथ भी खाना चाहो तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस अभी हमें इसका थोड़ा सा मॉइस्चर ड्राई करना है और साथ ही हम इस वगैरह इसमें 1/4 कप टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुक हो गया, रेडी हो गया। अब साथ ही हम लोग मैक्रोने बॉईल कर लेते हैं और फिर दोनों को मिक्स कर लेंगे ताकि डिश रेडी हो जाए। मैं 2 जग वाटर ऐड किया। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, साथ ही 1 चिकन क्यूब और 1 टीस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे और ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें मैक्रोने ऐड कर देंगे। मैक्रोने आप हमेशा सूजी के बने हुए यूज़ करें, मैदे के बने हुए नहीं। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। हो गया, अब हम इसमें मैक्रोने ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको बॉयल करते हैं हम लोग।
अभी हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं, इसका पानी सब निकाल लेते हैं। बॉयल की हुई मैक्रोनी हम कीमे में ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कीमा मैक्रोनी के साथ अच्छे से मिक्स हो। मैक्रोनी और चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम एक फॉइल पेपर का पीस लेंगे, वो उसके ऊपर रखेंगे और साथ ही हमने एक कोयला लिया था जिसको हमने चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लिया, वो उसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स हम लोग कुकिंग ऑयल के डालेंगे ताकि उसके अच्छा सा स्मोक सा पैदा हो जाए। और फिर इसको हम लोग 3 to 4 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि स्मोक अच्छे से सब कीमे और मैक्रोनी में अच्छे से उसका टेस्ट आ जाए। और ये बहुत ही टेस्टी सी मैक्रोनी रेडी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए।